अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये बॉईल आएगा इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी, ऑलमोस्ट 400 ग्राम्स। और यहाँ पे मैंने स्टोव ऑन कर लिया शाही टुकड़े के पीसों, ऐसे ब्रेड पीसेस का मैंने ऐसे काट लिया है। इसको थोड़ा सा हल्का रोस्ट कर लूँगी, फिर रोस्ट करके निकाल लूंगी। रोस्ट करने के बाद उसको थोड़ा ऑयल में अच्छे से डीप फ्राई कर लूंगी, आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे बनता जाएगा। दोस्तों दूध बॉईल हो चुका है। अभी इसमें मैं ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स खोवा ऐड करूंगी। मुझे रबड़ी बनानी है, थिक रबड़ी शाही टुकड़े के लिए। जब खोवा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो मैं शुगर भी ऐड कर दूंगी। इसे बॉईल हो चुका है, खोवा भी मेल्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। आप मुझे वॉच कीजिएगा रबड़ी को कैसे ठीक बनाते हैं। मैं आपको एक नया सा टेक्निक बताऊंगी। जब तक शुगर ना इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक इसको ऐसे ही हलाते चलाते अच्छे से बॉईल करना है। तो चलिए दोस्तों आपको टेक्निक बताती हूँ इसको कैसे रबड़ी को दूध को गाढ़ा करते हैं। ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं उसको निकाल लिया था मैंने, उसको ब्रेड क्रम्स बना दिया मिक्सी में दाब के। अभी ये सारे इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए दोस्तों हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और अभी इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। ये है कुछ कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, और ये है कटा हुआ पिस्ता। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने सारे शाही टुकड़े जो भी बनाए थे उसको मैंने थोड़ा सा क्रिस्प कर लिया, अभी डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 300 ml ऑयल लिया है, गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा वैसे ही मैं इसको फ्राई कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं शुगर सिरप बना रही हूँ, उसको चाशनी भी बोलते हैं हम लोग, इसको शीरा बोलते हैं। शीरा बन रहा है, यहाँ पे मैं अभी फ्राई कर लूंगी। लो फ्लेम पे इसको हमेशा लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए, वरना ये जल जाएंगे। ये जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको शुगर सिरप में डिप करके मैं
एक बॉक्स में कंटेनर में निकाल लूंगी। उसके ऊपर से हम थोड़ा, उसके बाद हम ये वाला रबड़ी जो बना के रखे हैं उसको पोर कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ये वाला फ्राई कर लिया है, ऐसे ही बाकी सारे भी फ्राई कर लूंगी। मैंने फ्राई करके शीरे में डिप कर लिया, यानी कि शुगर सिरप में डिप कर लिया। अभी इसको निकाल के मैंने एक बॉक्स में डाला है। इसके ऊपर रबड़ी जो मैंने बनाई है उसको डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर मैं रबड़ी लेयर करूंगी। तो देखिए एक लेयर मैंने बना लिया है। अभी जो बाकी है उसको भी लेयर बना के इसके ऊपर रबड़ी का एक लेयर बना डाल दूंगी। तो हमारा शाही टुकड़ा बनके तैयार हो चुका है। जब मैं सर्व करूंगी तो इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता और बादाम का क्रम्बल डाल के सर्व करूंगी। आप भी बनाइए, घर पे खाइए, खिलाइए, दावतों में बना सकते हैं, शादियों में भी बना सकते हैं। इसको खाइए, खिलाइए और मुझे दुआ में याद रखिए। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए और टेक्निक्स और टिप्स पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बोलिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।